ये रेडी होने के लिए, और आप देख सकते हैं इसके बाल कुछ ऐसे हैं। गाइस अवंतिका के बाल स्ट्रेट भी हो गए हैं, इधर से दिखाना, पहले कैसे कैसे गुलड़ी बनी पड़ी थी, अब थोड़े। गाइस दीपक ने कितनी अच्छी रोटी बनाई है, मिल जाएगा। हाँ ये देखो गाइस, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद कर दो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और धूप तो ऐसी हो गई, ऐसे कि होती है ना, मई जून से भी ज्यादा की धूप हो गई है। और अभी आज हम लेकर आए देखो नया पानी पीने का कैंटर, अपना क्या बोलते हैं इसको, ड्राम बोलते हैं क्या, ये देखो, क्योंकि नीचे से पानी भरना पड़ता है, इसी में टंकी हमने लगवा ली है। इसे देखो कितनी तेज पानी निकलता है, अब पूरे गर्मी हम इसी से पानी पियेंगे, 5 रुपये का बर्फ डाला करेंगे और पिया करेंगे। और ये देखो अपने कॉलेज से भी आ चुका है दीपक। हे गाइस कैसे हो आप सब? सब गाइस बढ़िया है। आज तूने भी सेम पहना हुआ है, मैंने भी सेम पहना हुआ है। वैसे हम दोनों सेम ही तो लगते हैं, आवाज़ तो सेम सी है वैसे कुछ कुछ। आज मैं इन दोनों को खेत पर लेके जाने वाला हूँ, चलोगे तुम दोनों? ये देखो मेरे पास ही भटक रहे बेचारे, क्योंकि आज इन्हें कुछ खाने को नहीं है। इन्हें लेकर जाता हूँ दोस्तों खेत पे, थोड़ा घूम भी आएंगे और अपनी मन मर्जी का खा लेंगे वहाँ पे जाके। ठीक है, चलना है चंदा कि नहीं? नहीं अभी तो बस इन्हें भूख लगी है बहुत तेज वाली। देखो गाइस मैं आ गया हूँ खेत पे अपने बच्चों को लेके, चीकू एंड चंदा। ये देखो कितने मज़े से चुग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यार इनका ये मन करता होगा ऐसे घूमने का। तो ये देखो यहाँ पे आराम से चुग रहे हैं, पूरा खेती खेती है यहाँ पे चारों तरफ, और ये मज़े ले रहे हैं यहाँ। अभी खा लेते हैं उसके, इन्हें खाने देते हैं छक्के, उसके बाद लेके जाऊँगा फिर घर। भाई साहब जा रहे हैं घर पे, इन्होंने जितना चुगना था चुग लिया। फिर वहाँ पर ना ऊपर चील आ गई थी बड़ी वाली, मैंने कहा अब लेके निकल लेते, ले जाए इन्हें एकदम। घर पे आ चुका हूँ और देखो ये हिमांशी लिपस्टिक लगवा रहा है मेरे से, दिखा हिमांशी। ओ भाई कितने शौक से लगवा रहे भाभी। एक चीज़ मैं और बता दूँ, नीचे जो एक मेरे भैया भाभी रहते हैं, आज वो उनके यहाँ पे शादी वादी पार्टी वार्टी है कोई, तो उनका कहने का मतलब है कि विपिन भैया तैयार कर देंगे उनकी लड़की को और उनकी वाइफ को। और उनकी लड़की पता है इतनी पिद्दी सी है, भी कुछ छोटी सी लड़की है, मैं अभी आपको मिलवाता हूँ उनसे, दिखाऊंगा कितनी बड़ी है वो। अवंतिका आ चुकी है रेडी होने के लिए, और आप देख सकते हैं इसके बाल कुछ ऐसे हैं। अपनी चूड़ियाँ तो दिखा दे गाइस, ये देखो चूड़ियाँ। कैसे तैयार होना है बताओ जल्दी, लड़की बना दो। लड़की बना दूँ? अभी क्या कैसी लड़की बनाऊँ, किसके जैसी बनाऊं बताओ जल्दी? अवनी जैसी बना दो। अवनी जैसी, ठीक है तो अवनी से भी सुंदर बना दूं या? चलो गाइस आप चूड़ियां बताना बनतेगा कैसी लग रही है। देखो कितने रुपए की थी ये? 10 रुपए की। 10 रुपए की अम्मा कहीं ला देगी? यस पापा दिलवा के लाए। क्यों तू नहीं ला के देगी? गाइस अब इसे इसके पापा बोल रहे हैं आईलैशेस भी लगाना है, सारी चीज़ें लगानी है, अभी इतनी सी बच्ची है, ये बताओ क्या रेडी करूँ इसको। इधर आ हैं अब भाई, मैं क्या तेरे पापा पैसे देंगे मुझे कि नहीं? मुझे तो पैसे मिलेंगे, दिलवाना पैसे, ठीक है? कहीं को जा रहे हैं अब, तो पैसे नहीं दिलवाएगी? आके दे देंगे। तो गाइस से बोल कि मैं आके दिलवा दूंगी पैसे। आके दिलवा दूंगी पैसे, पक्का दिलवा देगी ना? अवंतिका लेट चुकी है। कैसे कैसे करना है जल्दी बता एकदम। लड़की बना दूँ इसकी लड़की बना दो, ये कहती लड़की बना दो। फ्रेंड यहाँ पे इस बच्ची का मेकअप रेडी हो चुका है, और जी इसके घर के सारा सामान मुझे दे गए थे कि विपिन भैया आप ही पूरा रेडी कर देना, कपड़े वपड़े सब मैंने ही पहना है इसको। तो फ्रेंड आप इसके मेकअप पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा हैवी वेस बना हुआ है, क्योंकि इसके पता नहीं इसके घर को ने कहा था कि भैया जितना हैवी हो सकता है उतना करना है। अब यार बच्ची है तो उसी के हिसाब से मैं करूँगा, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, जब वो लोग पैसे, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है, जैसे कोई मुझसे कहेगा मैं तो वैसे ही कर दूंगा। पर यार देखो इसके बालों पे आप निगाह मारो कि इतने बेकार होकर रखे हुए थे, इतनी बुरी तरीके से उलझे हुए थे कि क्या ही बताओ, मैं पता नहीं कभी कंघी करी कि नहीं करी, कैसे किया मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये कंघे से भी नहीं निकल रहे थे। और मेरे पास स्ट्रेट मशीन भी नहीं थी, तो मैंने कहा यार अब कैसे हो पाएगा ये। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे प्रेस से कर लूँ, ना कपड़ा लगा के वो प्रेस से करते हैं ना, शायद आप लोगों ने भी कभी देखा होगा। तो पहले मैं इसके डिवाइड कर रहा हूँ छोटे छोटे बालों को अलग अलग करके, फिर थोड़े थोड़े करके ऐसे प्रेस से करूँगा, हल्की गर्म प्रेस करके। और नीचे कपड़ा होना चाहिए ना कॉटन वाला कपड़ा होना चाहिए, कोई लाइन लोन या साटन या सिल्क हुआ तो बेकार हो जाएगा उससे, है ना, चिपक जाते हैं उससे। गाइस अवंतिका के बाल स्ट्रेट भी हो गए हैं, इधर से दिखाना, पहले कैसे कैसे गुलड़ी बनी पड़ी थी, अब थोड़े से अच्छे हो गए।
आज पता नहीं अवंतिका कौन सी शादी में जा रही है, इसके पापा ने बोला है कि एकदम ना, तो इतना हैवी हो पाया भाई, इससे ज़्यादा तो हैवी मैं कर नहीं सकता क्योंकि बच्ची है। तो कुछ गाइस ऐसा हो पाया, हाय कर दो, हेलो कर दो, ठीक है, हंसी अवंतिका हंसी, अच्छा लग रहा है अवंतिका। रुक जाओ अभी ब्लॉक में। गाइस ये लोग जा रहे थे शादी में और अवंतिका को देखने के लिए इतने लोग आ गए थे मोहल्ले में से, इतनी भीड़ लग गई थी बहुत ही ज्यादा, पता नहीं ऐसे कर रहे जैसे पहली बार देखा हो इसको, क्योंकि इन लोगों ने कुछ अलग ही सीन कर रखा था ना। वो देखो पीछे भाभी बैठी हुई है, वो भी तैयार होने वाली है मेरे से अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। गाइस आपने देखा कि उस लड़की को कितने सारे देखने वाले आ गए थे, पूरा मोहल्ला देखने आ गया था, क्योंकि वो लगी कुछ ज़्यादा प्यारी सी रही थी यार। उसके बाल ऐसे वो हो गए थे इमटे इमटे से, फिर मैंने प्रेस से सीधे करे, मतलब कपड़े वाली प्रेस से कर दिए थे ऐसी, मैंने दिखाया नहीं था हम लोगों को। और इधर देखो हमारा खाना पीना बन रहा है भाई, कैसे भाजड़ फैली पड़ी है, सभी भाई सभी भाई सभी लोग आके आप खाना खाइएगा। हंस सकता क्यों है तू, देखो अम्मा बना रही है रोटी। अम्मा ये कौन सा तरीका है ऐसे बैठने का, अच्छा क्या बनाया आज खाने में, क्या बनाया है, कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा, हटो कड़ी पकौड़ा देखते हैं, देख ले। गाइस पूरा पतीला भर के कड़ी बनी हुई है, ज्यादा छठी पे बनती है। और देखो इधर रोटी सिकनी है और इधर ये सेक रहा दीपक रोटिया। गाइस आपके यहाँ भी ऐसा फैला रहा फैला रहता है, ऊपर खुला आसमान है, देखो चंदा निकल रहा है उधर और नीचे रोटियां बन रही है। ये देखो गाइस दीपक ने कितनी अच्छी रोटी बनाई है गाइस, वाओ। नीचे उस पर करके दिखाना, हाँ हाँ हो जाएगा, मिल जाएगा, हाँ। ये देखो गाइस और इधर ये घी में सेक रही है और कड़ी के साथ। गाइस आज हम चावल की और गेहूँ की रोटियाँ खाने वाले हैं, गरम खाने आ जाओ सब लोग, एक बार हाई कर दो, हाय नमस्ते। तो गाइस अभी हम लोग खाने खाने वाले हैं, अभी हमारा बन रहा है, हम लोग पहले बना लेते हैं सब लोग इकट्ठा होकर, फिर इकट्ठे होकर खा लेते हैं, ये अच्छा है ना यार कि साथ में खाना चाहिए सभी को। दिन में तो सब लोग इधर उधर रहते हैं, एक शाम का वक्त ऐसा होता है कि पूरा परिवार एक साथ मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी खाना बन रहा है उसके बाद हम लोग खाएंगे। इस समय चल रहा है खाना पीना, चावल की रोटी और क्या है कड़ी, कड़ी पकौड़ा, देखो बड़े मोटे मोटे पकौड़े बनाए आज तो अम्मा ने। अक्सर कैसी लग रही है कड़ी, बहुत टेस्टी है। हैं और अपनी बहुत टेस्टी है, तुम्हें हर चीज टेस्टी लगती है। गाइस अम्मा तो अलग से खा रही है, देखो खाट पे बैठ के, नमक का डिब्बा साथ में रहता है, हमेशा हल्की नमक ना खाई जाती है। अच्छा और तूने खा लिया कड़ी, खागा ये कुछ याद आ जाता, क्या क्या हो गई ये, बदतमीजी मत करा कर बिल्कुल भी। गाइस सब खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। फ्रेंड उधर चल रहा है हमारा खाना पीना और सब लोग इतनी हंसी मजाक कर रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं, इसलिए मैं अपना ब्लॉग लास्ट इधर करने आ गया हूं इस वाले रूम में। तो फ्रेंड जो कल का वीडियो ब्लॉग आने वाला है ना, वो बहुत ही अमेजिंग और धमाकेदार होने वाला है। ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।